हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है तारचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड, और बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत पेपर हमारा सेकंड ग्रामीण समाज शास्त्र। सेकंड पेपर के अंतर्गत हमारा सेक्शन वी है। इसमें एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वो है शक्ति संबंध और ग्रामीण राजनीति। तो सबसे पहले हमें शक्ति के अर्थ के बारे में जानना होगा कि शक्ति क्या है। अर्थात शक्ति में एक व्यक्ति अपना बल का प्रयोग करता है। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करवाने के लिए बाध्य करता है। जब एक समूह एक व्यक्ति किसी दूसरे समूह या व्यक्ति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाने के लिए उस पर दबाव डालता है, परेशान करता है, तो वह शक्ति होती है। शक्ति में एक व्यक्ति अपने बल का प्रयोग दूसरे पर करता है। लेकिन यहाँ हम कुछ परिभाषाएं बात करते हैं। मैक्स वेबर ने परिभाषा स्पष्ट की है कि शक्ति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना कार्य करवा दे। शक्ति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर अपना कार्य करवाने पर लिए दबाव डालता है, उसे परेशान करता है, उसे हानि पहुंचाता है और कार्य करवाने के लिए बाध्य करता है। कहने का मतलब है कि शक्ति के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना कार्य करवाने के लिए उसे बाध्य करता है, उसे परेशान करता है, उसे दबाव डालता है, वह दिखाकर कार्य करवाने के लिए उसे प्रयास करता है, यही शक्ति है। हंट कहता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्रियाओं पर नियंत्रण जब करता है, शक्ति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्रियाओं पर नियंत्रण करता है तो वहां शक्ति उत्पन्न होती है। रॉजर्स कहता है शक्ति एक ऐसा सामाजिक तत्व है, शक्ति एक ऐसा विचार है, एक तत्व है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर क्रियाओं पर नियंत्रण करता है और बाध्य। तो उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि शक्ति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर इस प्रकार से दबाव डालता है, अपनी शक्ति का प्रयोग करता है कि दूसरा व्यक्ति ना चाहते हुए भी उसे कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो वहां शक्ति उत्पन्न होती है। लेकिन हम बात करते हैं शक्ति के रूप। शक्ति के यहां पर दो रूप हैं, शक्ति के दो रूप हैं। एक है सत्ता, एक है सत्ता जो वैधानिक होती है। शक्ति के दो रूपों में एक है वैधानिक और एक है प्रभाव, वो अवैधानिक होता है। अवैधानिक, लेकिन जब वैधानिक शक्ति शक्ति में सत्ता और प्रभाव सत्ता बराबर शक्ति प्लस वैधता, जब एक व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग वैधानिक रूप से करता है, एक व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग वैधानिक रूप से करता है तो वो सत्ता बन जाती है। और सत्ता में व्यक्ति नियम और कानून के अनुसार कार्य करता है। सत्ता में व्यक्ति नियम एवं कानून के द्वारा अपना कार्य करता है। जैसे कि उदाहरण है प्रधानमंत्री का पद और प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति किसी समाज, किसी समूह, किसी संस्था आदि को जब कार्य करने के लिए आदेश देता है तो वो वहां होता है सत्ता। एक व्यक्ति पद पर रहते हुए अपने कार्य करवाने के लिए लोगों को बाध्य करता है, नियम के अनुसार बाध्य करता है, ना कि नाजायज, तो वह सत्ता है।
लेकिन प्रभाव में व्यक्ति किसी पद पर ना रहते हुए प्रभाव में व्यक्ति किसी भी पद पर ना रहते हुए पद पर ना रहते हुए अपना कार्य करवाता है। प्रभाव के अंतर्गत व्यक्ति के अंतर्गत ऐसे गुण होते हैं जो स्वतः ही व्यक्ति के और आकर्षित होते हैं, अर्थात उनकी ऐसी गुण होती हैं, ऐसी क्षमताएं होती हैं जिनको देख करके व्यक्ति स्वतः ही आकर्षित होता है और उनको कुछ प्रभाव होता है। जैसा कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का प्रभाव जनता पर इतना था कि उनके विचारों से प्रभावित होकर ही उन्होंने बहुत सारे पद प्राप्त कर लिए, जबकि ना तो प्रधानमंत्री था, ना कोई राष्ट्रपति थे, ना कोई मुख्यमंत्री थे, केवल एक सामान्य व्यक्ति जो राजनीतिक था, लेकिन उनके कार्य का प्रभाव उनके अंतर्गत ऐसे गुण थे जो संपूर्ण व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं अपने विचारों के अनुसार। तो यह है व्यक्ति का, किसी भी एक व्यक्ति किसी पद पर रहते एक व्यक्ति किसी भी पद पर ना रहते हुए व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता और उसका प्रभाव उस सत्ता की तुलना में अधिक होता है, तो वो कहलाता है प्रभाव। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है कि शक्ति के दो रूप हैं, एक तो है सत्ता और एक है प्रभाव। प्रभाव में व्यक्ति के पास कोई पद नहीं होता बल्कि उसके अंतर्गत कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अन्य व्यक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करता है, कार्य करवाते हैं, स्वतः ही हो जाते हैं। जबकि सत्ता में व्यक्ति के पास ऐसी योग्यता क्षमता होती है, ऐसा पद होता है जिसका प्रयोग करते हुए वो लोगों को बाध्य करता है, लोगों को कार्य करवाने के आदेश देता है। तो वह है प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, मुख्यमंत्री का पद, राज्यपाल का पद। ये अपने पद पर रहते हुए जब जनता को आदेश देते हैं और जनता कार्य करती है तो वो हमारे लिए सत्ता है। लेकिन एक बार एक व्यक्ति जिस पद पर रहते हुए और उसके बाद वो पुनः उस पद से हट जाता है और हटने के बाद वो आदेश देता है तो वह उसकी शक्ति है, ना कि प्रभाव और ना ही सत्ता। लेकिन एक जनतंत्र के माध्यम से जो व्यक्तियों को कोई व्यक्ति आकर्षित करता है और आकर्षित करने के आधार पर कार्य करवाने के लिए बाध्य होता है तो वो हमारे लिए प्रभाव है। यहाँ शक्ति के साथ साथ शक्ति के जो स्वरूप है, शक्ति के स्वरूप प्रकार, नंबर वन अभिजात शक्ति, कुलीन शक्ति, अभिजात शक्ति ये उच्च वर्ग के व्यक्तियों के पास होती है, उच्च जाति के लोगों के पास अभिजात शक्ति के अंतर्गत तो ऐसे वर्ग आते हैं जो वे उच्च वर्ग के अंतर्गत होते हैं, जिनके प्रभाव में, जिनके दबाव में आकर के लोग बाध्य होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण। हमेशा अभिजात वर्ग के अंतर्गत आते हैं ये ब्राह्मणों के अंतर्गत। कुछ ऐसे गुण होते हुए भी व्यक्ति उनका हम समाज में सम्मान करते हैं क्योंकि ये प्रदत्त होते हैं प्राचीन काल से ही। ब्राह्मण जाति के लोगों को हम समाज में उच्च स्थान देते हैं, उनका दबदबा रहता है, इसलिए हम उनका आदेश का पालन करते हैं। हालांकि अभिजात वर्ग के पास में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक शक्तियां होती है, अर्थात अभिजात वर्ग के अंतर्गत वे लोग होते हैं जो संख्या में अधिक होते हैं, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और धार्मिक दृष्टि से उच्च स्तर पर होते हैं। इन सभी लोगों का हम स्वतः ही सम्मान करते हैं क्योंकि समाज में उच्च स्तर है,
जाति की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से प्रभावशाली जाति हैं, इसलिए हम उनको अभिजात वर्ग और उनके प्रभाव को सभी लोग मान्य भी करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अभिजात वर्ग प्राचीन समय से देखने को मिलता है और उसमें वे सभी जाति आती है जिनके पास शक्ति होती है, आर्थिक शक्ति उनके आत्म होती है, राजनीतिक शक्ति उनके महत्व होते हैं, समाज में उच्च स्तर पर होते हैं। उसके बाद में है कानूनी शक्ति, कानूनी शक्ति इसको हम वैधानिक शक्ति भी कहते हैं। जहां अभिजात शक्ति एक व्यक्ति विशेष के आत्म होती है, उस व्यक्ति का प्रभाव होता है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो समाज में उच्च स्तर है, आर्थिक दृष्टि से संपन्न है, सामाजिक दृष्टि से संपन्न है, राजनीतिक दृष्टि से शिक्षित है, इसलिए हम उनको सम्मान देते हैं, समाज में उच्च स्थान है, तो वो हमारे पास है अभिजात शक्ति या अभिजात वर्ग की शक्ति। कि समाज में कुछ ऐसे वर्ग पाए जाते हैं जो प्राचीन समय से ही अच्छा कार्य करते हैं, समाज से भी होते हैं, लोगों को पैसा देते हैं, लोगों को काम करवाने के लिए प्रयास करते हैं, इसलिए हम समाज को में उन्हें उच्च स्थान देते हैं। और दूसरा है कानूनी शक्ति, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान हैं, लेकिन उनको कुछ ऐसे पद होते हैं, ऐसे विधान होते हैं, ऐसे पद होते हैं जो पद के आधार पर उनके पास शक्ति होती है। तो कानूनी शक्ति के अंतर्गत तो जो भी शक्ति होती है वो वैधानिक शक्ति है। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सार्वजनिक होता है, सार्वजनिक शक्ति है। इसका प्रभाव निश्चित समय के लिए होता है। कानूनी शक्ति का प्रभाव कुछ समय के लिए होता है, कानूनी शक्ति का प्रभाव कुछ समय के लिए होता है, जिस समय तक वो पद पर रहता है, कि जब तक वो व्यक्ति पद पर रहता है तब तक उसका कानून कार्यकार होता है। जैसे कि राष्ट्रपति जीवन पर्यंत कभी भी उसके पास शक्ति होती है, जैसे अभिजात वर्ग की शक्ति उन लोगों के पास पाई जाती है, अर्थात जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तब तक देश का मुखिया है। राष्ट्रपति पद से स्थापित होने के बाद ही उसकी शक्ति छीण हो जाती है, अब उसका कोई प्रभाव नहीं रहता, वो सामान्य व्यक्ति श्रेणी में ही आता है। तो वैधानिक योग्यता क्षमता और कुशलता के आधार पर जब एक व्यक्ति किसी पद को पाता है, वैधानिक शक्ति के अंतर्गत एक व्यक्ति किसी योग्यता क्षमता कुशलता आदि के आधार पर समाज से जो पद पाता है और कुछ समय के लिए वो पद पर रहता है, उसके बाद में उसका पद समाप्त होते ही उसका प्रभाव शक्ति छीन हो जाती है, वो कहलाती है हमारी कानूनी शक्ति। और दूसरा जो प्रकार है वो है संगठन शक्ति, तीसरा संगठन शक्ति। इस शक्ति के अंतर्गत कोई समूह, कोई समुदाय, कोई संगठन या व्यक्ति मिलजुल करके जब कार्य को संपन्न करते हैं और उसका प्रभाव अधिक होता है तो वो कहती है संगठित। इसमें व्यक्ति संगठित होकर के मिलजुल करके एक शक्ति का प्रभाव स्पष्ट करते हैं। जैसे व्यापार संगठन, व्यापारियों का संगठन, अध्यापकों का संगठन, वकीलों का संगठन, डॉक्टरों का संगठन, श्रमिक वर्गों का संगठन, अर्थात मिलजुल कर ये जब एक विशेष वर्ग के व्यक्ति मिलजुल करके किसी कार्य को करते हैं और कार्य करने के लोगों को वैध करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी संगठित शक्ति।
ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत अधिकांश संघीय शक्ति का रूप हमें देखने को मिलता है, जिसमें जाति पंचायत, जाति के अंतर्गत ग्राम पंचायत, जितने भी संगठन हैं वह सभी संघ शक्ति के ही प्रारूप हैं। और इसके बाद तीसरा चौथा जो हमारा टॉपिक था और वो है असंगठित शक्ति। संगठित शक्ति, इस समाज में कुछ ऐसे भी संगठन होते हैं, ऐसी भी शक्ति होती है जो पूर्ण रूप से संगठित नहीं होते, लेकिन उनका प्रभाव भी हमारे समाज पर अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के संगठन, एक व्यक्ति का एक समाज में इधर उधर व्यक्ति बातें करने की जो प्रक्रिया है वो असंगत, अर्थात ये समाज में समूह के अंतर्गत संगठित नहीं है, लेकिन उनका भी हमारे यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये रहे हमारे शक्ति के स्वरूप, शक्ति के स्वरूप चार, शक्ति के स्वरूप या प्रकार चार है। नंबर वन अभिजात शक्ति, उच्च वर्ग के पास अभिजात शक्ति उच्च वर्गों के पास पाई जाती है। नंबर दूसरा कानूनी शक्ति, योग्यता क्षमता शिक्षा कुशलता के आधार पर व्यक्ति को प्राप्त होती है। इसके बाद में चौथा है असंगठित शक्ति, संगठित शक्ति किसी समूह में संगठन बनाकर शक्ति का प्रयोग या अपना प्रभाव, जैसे कि व्यापार, व्यापारी लोग, अध्यापक लोग, और एक चौथा है असंगठित शक्ति। ये हैं हमारे चार शक्ति के प्रकार।